हेलो गाइस, सर्वोदय महाविद्यालय चौमा मथुरा की BSCAG की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप आपको BSCAG कृषि के मैथमेटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके BSCAG कृषि में जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका नाम है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि हम मैथमेटिक्स की भी डेफिनेशन पढ़ करके आए हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सांख्यिकी की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द मेथड ऑफ प्लानिंग एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। दिए गए आंकड़ों के आधार पर कोई भी निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। इस बुक के अंदर आपके अलग अलग चैप्टर्स में, जिनमें सबसे पहला चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। दूसरा चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, विक्षेपण की मापे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। काई स्क्वायर टेस्ट, प्रोबेबिलिटी डिजायर ऑफ एक्सपेरिमेंट। दीज आर द सिक्स चैप्टर इन योर दैट सिलेबस, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इसमें आपके 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हिंदी में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे भी कहते हैं, सबसे पहले हम जाने सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा विशिष्ट मान है जिसकी तरफ अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा विशिष्ट मान है जिसकी तरफ अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं। इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी, यानी हम कह सकते हैं आदर्श माध्य के गुण, यानी आदर्श माध्य के गुण, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक। किसी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू को हम
आइडियल आदर्श कह सकते हैं या नहीं। अगर हम किसी केंद्रीय माप को आदर्श कहें तो वो निम्नलिखित दिए गए गुणों को फॉलो करेगा। नंबर एक, सबसे पहला गुण है इट इज रिजिडली डिफाइंड। वह दृढ़तः परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़तः परिभाषित होना चाहिए। नंबर दो, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये समझने में सामान्य और कैलकुलेट करने में भी आसान होना चाहिए। नंबर तीन, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। दैट इज, यह सभी मानों पर आधारित होना चाहिए। जो सीरीज के जितने भी मान होंगे सभी पर वो डिपेंड होना चाहिए। नंबर चार, इट इज मिनिमम अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू बाहरी मानों द्वारा, सीरीज के बाहरी मानों द्वारा यह कम से कम प्रभावित होना चाहिए। ये हमारे एक आइडियल कह सकते हैं आदर्श माध्य की प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मात्रा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला है, नंबर वन, मैथमेटिकली एक्यूरेसी। गणितीय माध्य, मैथमेटिकली एवरेज गणितीय माध्य। नंबर दो, पोजिशन एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकली एवरेजेस। इन दिस कैटेगरी देयर आर थ्री एवरेजेस। इस कैटेगरी में तीन एवरेजेस हैं। फर्स्ट एएम, अर्थमेटिक मीन। हिंदी में कहते हैं समांतर मार्ग। नंबर दो, ज्योमेट्रिक मीन। से कहते हैं गुणोत्तर मार्ग। नंबर तीन,
हार्मोनिक मीन जिसे कहते हैं हरात्मक बात। दीज आर आवर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द मैथमेटिकली एवरेज। नाउ नंबर टू पोजिशनल एवरेज। पोजिशनली एवरेज नंबर वन फर्स्ट इज मीडियन, हिंदी में कहते हैं माध्यिका। नंबर टू मोड, बहुलक। सी क्वार्टाइल, चतुर्थक। डेसाइल, दशमक। एंड ई परसेंट। ओवरऑल देयर आर एट मेथड्स, देयर आर एट मेथड्स टू कैलकुलेट टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ नॉलेज अबाउट द सीरीज। किसी भी माध्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें श्रेणियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीरीजेस, जिन्हें बोलते हैं श्रेणियां। सीरीज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज। श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला इंडिविजुअल, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो डिस्क्रीट, असतत श्रेणी। नंबर तीन कॉन्टिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। नंबर वन ए सीरीज इन विच ओनली द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इन हिंदी ऐसी श्रेणी जिसमें केवल पदों की संख्या दी गई होती है उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर इज कॉल्ड
एग्जाम्पल एक्स बराबर 22, 24, 26, 12, 18, 20, 14, 15. Here n is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number of observation. In this example, there are 8 observation. All are given individually, so the series is individual, because according to the definition of individual series, a series in which only the observations are given is called individual series. वह श्रेणी जिसमें केवल और केवल पद दिए गए होते हैं व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सीरीज में केवल पद दिए गए हैं और पदों की संख्या 8 है, इसीलिए मैंने so we can write down n is equal to 8 number of observation. The second is discrete. असतत श्रेणी. A series in which observation are given with their frequency. जिसमें पदों के साथ उनकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है, उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्वेल्व, फोर्टीन, एटीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन एंड नाइनटीन, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 5, 3, 8, 4, 7, 6. Here n is equals to 7, 13, 4, 17, 8, 21, 3, 24, and 5. That is in the series. But in last, I mean to say that individual series, in individual series, all the observations are given. They will count it. We can get the number of observations in our series. But in case of discrete series, we can add all frequencies. Then we can get the number of observations in the given discrete series. And the last is number 3, continuous series. A series in which the observation are given in class interval, with their frequency. Is called continuous series. For example,
क्लास इंटरवल एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and respective frequencies are 3, 7, 6, 5, 4. So n is equal to 25. N is equal to 25. In the series, there are 25 observations. Note, every class has two levels. प्रत्येक क्लास की दो लिमिट होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इन द गिवन एग्जांपल, In first class, 0 to 10. First class is 0 to 10. Lower limit is 0. Upper limit is 10. Lower limit is 0 and upper limit is 10. Note, according to the lower limit, and upper limit, the continuous series again divide into two categories and two classes. First, exclusive continuous series and second is inclusive continuous. Continuous series. Now we define exclusive continuous series. If the lower limit is the upper limit of the previous class, is equal to the lower limit of next class, then the series is called exclusive continuous series. Example, class interval, frequency,
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. 1, 2, 4, 6, 8. Example. And the next is inclusive continuous series. Series. If the upper limit of the previous class is not equal to the lower limit of next class is called inclusive continuous series. Example, class interval frequency 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, and 30 to 39. Frequency 5, 4, 1, 2, 40 to 49, and 6. That's all.